तो हे गाइस, आज हम बताने वाले हैं कि आप कैसे आपके Realme 10 Pro सीरीज में आपको जो फिंगरप्रिंट लॉक है उसको इनेबल कर सकते हो। तो आज हम बताएंगे कि आप कैसे फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल कर सकते हो आपके Realme 10 Pro सीरीज में। तो आप कैसे कर पाओगे वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर स्टेप बाय स्टेप देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। मिस करोगे तो आपको ये करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। एंड ये करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो जो मेरा सोशल हैंडल है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसमें मुझे आप फॉलो करके DM करना, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई देकर आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मेरे सारे सोशल हैंडल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ फॉलो करो एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। एंड गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मजेदार टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल में आपको हर रोज देखने को मिलेगा। तो गाइस, आपको Realme 10 Pro सीरीज में आए फिंगरप्रिंट सेंसर को इनेबल करने के लिए एट फर्स्ट आपको जाना पड़ेगा आपके फोन के सेटिंग्स में। एंड फोन के सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, वो है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो जो लिखा हुआ है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है कि फिंगरप्रिंट। तो मैं इस फिंगरप्रिंट के ऊपर टैप करूंगा। टैप करने के बाद आपको फिंगरप्रिंट को टैप करने के पहले आपको एक लॉक स्क्रीन पासकोड भी इनेबल करना पड़ेगा। मतलब ओनली फिंगरप्रिंट नहीं चलेगा, मतलब एक लॉक स्क्रीन पासवर्ड की भी ज़रूरत है। तो एट फर्स्ट में मेरा जो लॉक स्क्रीन पासकोड है उसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो कंटिन्यू कैन कंटिन्यू करने के बाद जो मेरा लॉक स्क्रीन पासकोड है वो मैं न्यूमेरिक रखूँगा। तो न्यूमेरिक करने के बाद मैं जो मेरा पासवर्ड है मैं इसको डाल दिया। डालने के बाद मैं फिर से री एंटर करा एंड जो मेरा लॉक स्क्रीन का पासकोड है उसको डाल दिया। डालने के बाद आप देख सकते हो इसको ओके करना बोल रहे हैं, जो मेरा Realme 10 Pro सीरीज का जो डिवाइस है। तो एंड आपको इधर एक फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए एक ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो आपको सिंपली उसके ऊपर आपको उंगलियों का स्कैन कर लेना पड़ेगा। आपको जिस उंगली से आप आपके फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हो, तो मैं मेरा जो उंगली है मैंने इसके ऊपर स्कैन कर दिया। स्कैन करने के बाद स्कैन मतलब ब्लू दिखा रहे हैं, इसको आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपको टैप करना पड़ेगा, फिर से उठाना पड़ेगा एंड फिर से टैप करना पड़ेगा। ऐसे करके करके आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो और थोड़ा सा बाकी है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो और थोड़ा सा बाकी है कंप्लीट करने का, और फिर से कुछ साइड आएगा तो इसको भी आपको कंप्लीट करना का, मतलब इसके ऊपर टैप करना पड़ेगा एंड उंगली उठाना पड़ेगा, टैप करना पड़ेगा उंगली उठाना पड़ेगा। ऐसे करके आपको पूरा इसको ब्लू कर देना पड़ेगा। करने के बाद आप देख सकते हो इधर ऑप्शन है डन, तो मैंने डन कर दिया। एंड जो मेरा फिंगरप्रिंट है वो मैंने ऐड कर दिया। आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट 1 बोल के इसको दिखा रहे हो, आप एक साथ 5 फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद आप जब स्क्रीन को लॉक करोगे एंड आप जिस उंगली से आपको स्कैन किया हो आप उस उंगली को स्कैन करोगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मजेदार टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल में आपको हर रोज़ देखने को मिलेगा।